श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 1956 को रात्रि के 10 बजे दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 41। विषय: हर वक्त निष्काम भाव से भगवान को याद रखने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। आलस्य के कारण काम खराब हो रहा है। जितनी ताकत है उतना पूरा परिश्रम करके काम करना चाहिए। न समय की, न मन की, न बुद्धि की कमी रखें। टाइम अधिक से अधिक लगाएं। शक्ति के अनुसार पूरी चेष्टा करें। निष्काम भाव का ज्यादा ख्याल रखें। निजी काम में बिल्कुल भी संबंध नहीं रखें। जगह लेकर मकान बनाने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। हर वक्त निष्काम भाव से भगवान को याद रखने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। इन सब काम में आत्मबल लगावें। स्त्री, पुरुष, धन आदि से वियोग निश्चित है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण आलस्य है। नित्य कर्म को दामी बनाना चाहिए। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अर्थ भाव समझकर करना चाहिए। सोते समय ऊंचे से ऊंचा भाव करके सोएं। आज यदि मरें तो आज तक का जो साधन किया हुआ है वही असली पूंजी है। अपना व्यवहार ऐसा उच्च कोटि का होवे कि दूसरा आदमी अपने व्यवहार को लेकर कोई दोष नहीं देखे। कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जावे। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 ஆனந்தோவே 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 பூர்ணானந்த் பூர்ணானந்த் அபாரானந்த் சாந்தானந்த் கணானந்த் அச்சலானந்த் துருவானந்த் நித்யானந்த் போஜஸ்வரூபானந்த் ஞானஸ்வரூபானந்த் ஆனந்தியானந்த் 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 சாந்தி சாந்தி சாந்தி.